और आप इस बात को मानते हैं कि वो जगह बाबर जी का था? नहीं, आप मानने के लिए तैयार है? सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। जब आप इस बात बाबर मानते हैं, इंडिया में तो एक इंच भी बाबर का जगह नहीं था सर, पूरे इंडिया में आप उनके बाबर की एक इंच की जगह नहीं थी, उसने लूटा है। जमीन इंडिया में बाबर की नहीं थी, माहौल गर्म करने का। बाबर का कोई जमीन नहीं थी, वो तो बाहर से आके उसने लूटा है। लुटेरा था वो, जो जनता की जमीन थी, यहाँ के लोगों की जमीन थी। ये लोग तुलसीदास की बात को नहीं मानेंगे, मैं बताऊंगा ना बाबर ने क्या गलत किया। बाबर अपने यहाँ का जहाँ वो पैदा था, भगोड़ा था, उसके घर वालों ने कुछ नहीं उसको दिया, मार के भगा दिया। किसी को क्या अधिकार है कि तुम अपने घर से भगा दिए गए हो और दूसरे देश में जाके अटैक करो, सारी चीजें करो और तबाही मचाओ। बाबर की यही गलती है। बाबर को जहां लड़ना चाहिए था, उसने अपने घर वालों से वहां पे राज्य के लिए क्यों नहीं लड़ाई की, वहां से तो वो भाग आया। पहली गलती उसकी वही है कि उसको जहां लड़ना चाहिए था उसने नहीं लड़ा, वो दूसरे लोगों को जहां पे कि इतना ज्यादा सब लोग भाईचारे से रहते थे, जहां युद्ध नहीं होता था, वहां जाके छल कपट और तलवार के दम पे ये सारी चीजें की। अपने राज्य को फैलाने के लिए उसने इस्लाम का गलत तरीके से सहारा लिया, हजारों लोगों को मारा। तो बाबर ने गलत नहीं किया तो क्या किया? आप दूसरे देश में जाके क्यों अटैक करते हो सर? अपने यहां सुधारो ना। बाबर की यही गलती है कि अपने घर वालों से वो नहीं लड़ा, उसने वहां प्रतिरोध भी नहीं किया, वो भाग के दूसरे जगह पे गया। भारत में आकर के उसने वो सारी चीजें की और यहाँ की बोली बाली जनता और जो हमारी महान परंपरा थी, शांति की परंपरा थी, उसका उसने फायदा उठाया। हमारे राजनेताओं को और कुछ आए या ना आए, इतनी अकल जरूर है उनको, पता है पार्टियों को कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं किया जाता है, उसको दाना खिला खिला के और मोटा किया जाता है। यही सारी पार्टियां कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यही कर रहे हैं, बीजेपी भी यही कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी। हाँ जी, हम मस्जिद बजाएंगे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? आप लोग तो मजे में है ना, जितनी पार्टियां हैं, सरकार फिर आपकी आएगी। राम मंदिर के ऊपर ही आपने 3-4 बार सरकार बना ली सर। अगर राम मंदिर का मुद्दा आप नहीं उठाते तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहता बीजेपी का। ये बीजेपी के अस्तित्व की लड़ाई है। राम मंदिर बन गया तो वो खत्म। इनके पास और कौन सा मुद्दा है धर्म को छोड़ करके? 90% इनके मुद्दे धर्म के हैं, इनको बनाना नहीं है। आप ट्रिपल तलाक पे तुरंत कानून बना दोगे, तब कोई मर्यादा नहीं, तब कोई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं। SC ST एक्ट में तुरंत बदल दोगे, तब सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान कर आने की मर्यादा आप भूल गए। बहुत सारी जगहों पे आप मर्यादा भूल जाते हो। राम मंदिर के नाम पे जब बनाना होगा तब जो सारी मर्यादाएं हैं आपको याद आने लगती हैं। रामनीति या फिर राजनीति, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी पातालनाथ, जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, और महफूज आनंद अंसारी जो मुस्लिम चिंतक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी AK मिश्रा जी आपसे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपके राजनीतिक जो आपका सफर रहा है, जो आपकी सोच रही है, उसके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या याकूब के माफी मांग लेने के बाद राम मंदिर के रास्ते आसान हो गए हैं? देखिए, राम मंदिर का रास्ता तो वैसे भी बहुत आसान है अगर पॉलिटिकल विल हो। उसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। जो आपकी टाइटल है कि रामनीति या राजनीति, मैं बोलूंगा इस देश में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति के लिए बड़े अभीष्ट है, यानी कि उनका वार कभी खाली नहीं जाता है। रामनीति को जो है उसको सर्वोच्च रखना चाहिए। उसका कारण है, यूपी में इन्होंने सरकार बनाई तो राम मंदिर के मुद्दे पे बनाई, सेंटर में भी कई बार सरकार बनाई तो राम मंदिर के मुद्दे पे बनाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामनीति या राम मंदिर का मुद्दा को इनकैश केवल बीजेपी ही नहीं करती है, या हिंदूवादी पार्टियां या नेता नहीं करते हैं, जो विपक्ष है वो भी इसको इनकैश करती है। आप देखिए, विपक्ष में वो पार्टियां जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने किया है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो राम मंदिर का खुल के उन्होंने विरोध किया है, तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। मैं ये बोलूंगा कि ये प्योर पॉलिटिकल वो है और उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, बात यहां पे है कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला अटका है या कहां पे अटका है वो नहीं है, कौन विरोध कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले ऐसे थे जब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना था तो उन्होंने कर दिया। मैं उदाहरण दूंगा, बहुत पहले राजीव गांधी के टाइम पे साहबानों का जो केस था, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ और था, लेकिन अपने वोट बैंक को साधने के लिए राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा संविधान में कानून ही बदल दिया।
तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय की जो है आपने बात को जो है उसकी गरिमा को क्यों नहीं मेंटेन किया। अभी हाल में देखिए बीजेपी भी क्यों ये राजनीति कर रही है। अगर किसी गवर्नमेंट को जो मेजोरिटी में है जैसे साहबानों के केस में हुआ तो आप तुरंत कानून बना करके वहां पे मंदिर बना सकते हो, लेकिन ये पूरा इंकैश करना है। सबसे बड़ा बाधा कौन है राम मंदिर का, सबसे बड़ा बाधक कौन है? स्वामी जी आपसे जानेंगे। देखिए राम मंदिर में सबसे बाधक कहां के राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं वो 100% सही है। कारण है कि जब हिंदू महासभा के हमारे अध्यक्ष श्रीमान चक्रपाणि जी महाराज जिन्होंने असाधारण काम किया, जो मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू महासभा को चला रहे हैं और देश के साधु संतों महात्माओं वंचितों को भी जोड़ रहे हैं, उनके सामने प्रिंस तुसी जी ने बोला कि मैं हिंदुओं से माफी मांगता हूं, और मैं प्रवक्ता होने के नाते बोला कि प्रिंस तुसी जी ने हिंदू धर्म के लिए और मुसलमान धर्म के लिए गंगा जमुना तहजीब का यहां पर मिश्रण किया और एक बहुत बड़ी सौभाग्य है हिंदुओं के लिए मुस्लिमों के लिए कि आज राम मंदिर का जो पेच था अटका हुआ था, क्योंकि ये बाबर का जमीन बाबर का बाबरी नाम से जाना जाता था, उन्हीं के वंशज हैं हमारे प्रिंस तुसी जी। उन्होंने बोला कि मैं मंदिर के लिए तन मन धन दूंगा और इसमें कोई बाधा नहीं आता है, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर की छुट्टी देती है तो उन्होंने मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को और मुस्लिमों को ये आपस में मिलने के लिए बनाना जरूरी है। चलिए महफूज जी की भी राय जान लेते हैं। याकूब के माफीनामे के पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? याकूब के माफीनामे को लेकर के क्या कुछ प्रक्रिया है आपकी? बाबर के वंशज हैं, उन्होंने माफीनामा मांगा है राम मंदिर को लेकर के। आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए बात नहीं हो पा रही है, आगे चलते हैं। हाँ सोमनाथ जी आप जी जी आवाज आ रही है आपको महफूज जी? जी जी आ रही है। तो नाम हमारा गलत लिखा हुआ है महफूज, चलिए उसे सही कराएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाबर के वंशज हैं जी, उनको लेकर के जो माफीनामा अब मांगा गया है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम ये तो मान लिया आप लोगों ने और हमारे जो हिंदू धर्म के भाइयों ने कि कम से कम बाबर के जो वंशज हैं, मानते हैं कि वंशज है, तो कम से कम इतना तो है कि उन्होंने अपनी गलती मान रहे हैं या जो कह रहे हैं कि आपने माफी मांगा है, तो इस बात से साबित होता है कि जैसे अभी पिछले 25 वर्षों में ये चलता रहा है कि बाबर ने ये किया, बाबर ने ये जुल्म किया, ये किया, तो कम से कम इतना तो मान ही रहे हैं आज कि कम से कम उनका वंशज भी अपने अगर वो कह रहे हैं कि गलती है तो उस पर पछतावा कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं कम से कम। तो अब तो खुशी होना चाहिए हमारे साधु संतों को कि भाई बाबर ने कोई गलत काम नहीं किया, उनका जब वंशज है वो भी ये बात को मान रहे हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुआ है। सबसे पहले बात हम तो राम मंदिर निर्माण की बात की है उन्होंने, ये गलत बात है सर। बाबर ने गलत काम किया है, महानता उनके वंशज की है, उन्होंने उस गलती को सुधारा है। इसके लिए हम लोग बहुत मतलब आपको बधाई देते हैं सर। जरूरी नहीं है किसी ने गलत काम किया तो उसको सुधारा ना जाए। बाबर जी ने गलत काम कैसे करा उन्होंने? बाबर जी ने साबित किया है, उस समय तुलसी जाति थे, जिंदे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ करके सुना रहा हूँ उनके दुआवली से, आपको मालूम हो जाएगा कि तुलसीदास जी ने क्या कहा। सुनिए ये लिखित है तुलसीदास क्या कहते हैं। सिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भा भरी भगाए देश से तुलसी कठिन सियोग। सिखा चोटी और टीका से हीन करके और नहीं, उनको वहां से भगा दिया। दूसरा पंक्ति लिखते हैं, बाबर बरबर आई के करलीन है करवाल, हने बिचारी स्वान जल तुलसी काल करा। तुलसी जी बोलते हैं कि हिंदुओं को भगा करके मार करके वहां पर मस्जिद बना। ये लोग तुलसीदास की बात को नहीं मानेंगे। मैं बताऊंगा ना बाबर ने क्या गलत किया। बाबर अपने यहाँ का जहाँ वो पैदा था भगोड़ा था, उसके घर वालों ने कुछ नहीं उसको दिया, मार के भगा दिया। किसी को क्या अधिकार है कि तुम अपने घर से भगा दिए गए हो और दूसरे देश में जाके अटैक करो, सारी चीजें करो और तबाही मचाओ।
बाबर की यही गलती है। बाबर को जहां लड़ना चाहिए था उसने अपने घर वालों से वहां पे राज्य के लिए क्यों नहीं लड़ाई की, वहां से तो वो भाग आया। पहली गलती उसकी वही है कि उसको जहां लड़ना चाहिए था उसने नहीं लड़ा, वो दूसरे लोगों को जहां पे कि इतना ज्यादा सब लोग भाईचारे से रहते थे, जहां युद्ध नहीं होता था, वहां जाके छल कपट और तलवार के दम पे ये सारी चीजें की। अपने राज्य को फैलाने के लिए उसने इस्लाम का गलत तरीके से सहारा लिया, हजारों लोगों को मारा। तो बाबर ने गलत नहीं किया तो क्या किया? आप दूसरे देश में जाके क्यों अटैक करते हो सर? अपने यहां सुधारो ना। बाबर की यही गलती है कि अपने घर वालों से वो नहीं लड़ा, उसने वहां प्रतिरोध भी नहीं किया, वो भाग के दूसरे जगह पे गया। भारत में आकर के उसने वो सारी चीजें की और यहाँ की बोली बाली जनता और जो हमारी महान परंपरा थी, शांति की परंपरा थी, उसका उसने फायदा उठाया। चलिए आप लोगों को रोकना चाहूंगी। इस बीच वसीम रिजवी जो अध्यक्ष हैं सिया वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुक्रिया। याकूब ने माफीनामा दिया है राम मंदिर को लेकर के, अपनी गलती मानी है राम मंदिर को तोड़ने को लेकर के। बाबर के वंशज है याकूब, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, याकूब ने जो माफी मांगी है तो बाबर के वंशज हैं, अगर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो ये ठीक है, वो अपनी माफी मांग रहे हैं। लेकिन बाबर ने जो किया उसको ना तो भुलाया जा सकता है और ना उसकी भरपाई हो सकती है। हजारों हिंदुओं को मार दिया, तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद जैसा एक ढांचा बना गया, उसके बाद आज तक उस पर कितने लोग मर रहे हैं, उस सिलसिले में भी जितने लोग मरे हैं हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भी तो सब बाबर के खाते में गया है। विवाद को जन्म देने वाला तो बाबर ही था। हाँ। तो जिस तरह से वो करके गया, देखिए उसकी माफी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो जरूर अगर शर्मिंदा हैं तो वो उनकी अपनी पर्सनल वो है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उनका एक तरह से हम बड़कपन मानेंगे, हम उनको एक वो भी देंगे कि हाँ उन्होंने, चलिए कम से कम एक अपना एक आदमी गलती माने, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो गलती उन्हीं ने तो की नहीं है, जिसने की है वो तो अब है नहीं। अगर उनकी नस्लों में कोई आदमी गलती मान रहा है तो हम उसको आदर सम्मान दे सकते हैं, लेकिन बाबर को भूल जाए या बाबर के जुल्मों को भूल जाए या बाबर की करनी को भूल जाए, ये नहीं हो सकता, वो कहां माफ हो सकता है। चलिए, क्या कहेंगे महफूज आलम जी आप? जी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि इतने दिन से बाबर जी के अगर वंशज थे तो इतने दिन से कहां थे? आज ही, आज जो ये अब इलेक्शन नजदीक आ गया तो आज ही इनको कैसे याद आ गया कि हम बाबर जी के वंशज हैं और हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे? हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान राम भगवान को अपना आदर्श मानते हैं और ज्यादातर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो हम हिंदू भाई से ही मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं, चाहे हम हो या और ज्यादातर, तो हम तो उनको आदर्श मानते ही हैं और हम चाहते भी हैं कि राम मंदिर बहुत भव्य बनना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले कि वो आज वंशज आज कहां से आ गए? इतने दिनों से कहां थे? नहीं तो बाबर सैकड़ों साल से कहां थे? आज वंशज कहां से आ गए? बाबर के वंशज सवाल खड़े कर रहे हैं। बातालनाथ जी बताइए। जी, असल बात है कि इनके मति भ्रम है। जी, मैं कह रहा हूँ कि बाबर के वंशज बहुत सोच समझ के कि इस पर कुछ होने वाला है, उन्होंने आ करके लास्ट में माफी मांगा, तो माफीनामा तो बाद में ही होता है। उन्होंने सही आए, देर आए, दुरुस्त आए, सही आए, और उन्होंने एक हिंदू मुसलमान को मिलने का तहजीब दिया, एक मिलने का जमुना और गंगा का ये किया, और इसका श्रेय जो है हमारे चक्रपाणि जी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष को जाता है कि जिन्होंने उनको समझा बुझा करके और एक तरह से हिंदू और मुस्लिम में बैर विरोध नहीं हो, दोनों मिल करके और ये राम मंदिर का निर्माण करें और भारत में सुख शांति समृद्धि का माहौल आए जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़े। हमारा इसमें कोई भी अभिप्राय ये नहीं है कि बाद में आए, अभी आए, जब आए जब जागो तब सवेरा, वो ठीक टाइम पर आए हैं, कोई इलेक्शन से उनको लेना देना नहीं है। प्रिंस को उनके पास अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दिया है, उनको इलेक्शन से कुछ मतलब नहीं है, उनको खड़ा भी नहीं होना है कि उनको नेता बनना है। प्रिंस को, प्रिंस तुसी जी ने जो किया वो एक सच्चा मुसलमान जो होना चाहिए, ममा अखलक तो जिन्ना वन इंसा इल्लल्लाह याबुदुन, उसको उन्होंने धारण किया है।
कि हुजूर पुरूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको करम करे इसी ध्येय से ला करके। अब मोहम्मद साहब को क्यों नहीं पूछे कि भाई को कातिल को माफ क्यों किया, उसी तरह इन्होंने माफ कर दिया, माफ किया मुल्क को, मदाती बीबी सन को, सबसे बड़ा काम किया है प्रिंस और हमारे अध्यक्ष श्रीमान चक्रपाणी जी महाराज, इसका कोई इतना बड़ा काम किया है कि भारत के नेता को, लीडरों को और लीडरान के अलावा हमारे न्यायपालिका को भी इस पर सोचे विचार करे और हिंदू मुस्लिम मिल करके और रामलला का मंदिर बनाए। यही हमारा ये जनतांत्रिक टीवी से के पास से मेरा ये स्लोगन है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का प्रवक्ता हूँ। के मिश्रा जी, क्या राजनीति हो गई है सिर्फ राम मंदिर को लेकर के? क्या केवल राजनीति हो रही है, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया राम मंदिर? शिल्पी देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ी लॉजिकल बात मैं करूंगा, ये 101% प्योर राजनीति है। उसका उदाहरण मैंने पिछली पार्टियों का मैंने दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं बीजेपी की बात करूं। बीजेपी ठीक है, मैं मानता हूं बीजेपी की बड़ी मंशा है, इन्होंने ये बोला था कि हम आते ही राम मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे। 4 साल 5 साल गुजर गए, अब ये कानून और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहे थे योगी जी का मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट पे कुछ डिसीजन दिया, इन्होंने उसको तुरंत 10 दिन में बदल दिया। 3 तलाक पे आप देखो, इन्होंने तुरंत कानून बना दिया, क्योंकि उसका बेनिफिट उनको लेना था। बीजेपी की एक स्ट्रेटजी होती है, इलेक्शन आने वाले हैं, 4-6 महीने साल भर बाकी है, अब ये मुद्दों को उठाना शुरू करेंगे, मुद्दों को गर्म करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये करती है, उसके बाद एक पूरा माहौल बनेगा। मैं बोलता हूं कि अगर आपको राम मंदिर बनाना है और आप इसको राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, आस्था से जुड़ी हुई बात मानते हो, तो एक कानून बना दो ना। अभी तो आपने 20 दिन पहले SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को जो है जो आदेश था उसको पलट दिया। आप 50 ऐसे कानून बीजेपी ने, सारे गवर्नमेंट ने, मैंने राजीव गांधी जी के टाइम का दिया, शाहबानो केस का पूरा नियम ही इन्होंने बदल दिया। तो चूंकि ये संसद में कानून नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब है ये पूरे मुद्दे को इमोशनल वे में इनकैश करेंगे बीजेपी और सारी पार्टियां। और इसको देखिए, अगर बीजेपी इसको करेगी तो दूसरी पार्टियां इसके अगेंस्ट में होके वो अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण करेंगी, तो दोनों पार्टियां जो है इसको इनकैश करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। जिस दिन राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा ये मुद्दा है, आरक्षण हो गया, राम मंदिर हो गया, ये इतने प्रभावी मुद्दे होते हैं कि तुरंत इसका फायदा मिलता है। 3 तलाक जिसमें धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए जम के सारी पार्टियां इसका यूज करती हैं। राम मंदिर को ये जितना लिंगर ऑन करेंगे, क्यों बोल रहे हैं वसीम स्वामी बातालनाथ जी, स्वामी बातालनाथ जी, अगर बीजेपी राम मंदिर बनाने की ओर अग्रसर है तो फिर अपनों के बीच में क्यों नहीं? बीजेपी अक्सर है ही नहीं, बीजेपी का मंशा ही नहीं है जो हमारे मिश्रा जी ने किए हैं, वही बीजेपी इस मंशा को लटका के रखना चाहती है। इसके मंशा तो मैं कह रहा हूँ डंके के चोट से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तो जो बेटा पैदा करे वही बाप कहलाएगा। राजीव कांग्रेस को मंदिर बनाना चाहिए, चक्रपाणी जी महाराज जी मंदिर बनाएंगे, न बीजेपी बनाएगी, कोई पार्टी नहीं बनाएगी। जब चक्रपाणी जी इसमें अग्रसर है, हमारे हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष हैं, सब अरब के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, इसलिए कि इसमें झंडा झगड़ा झंझट कुछ नहीं होगा। और प्रिंस तुलसी जी से हम लोग ईद डलवाएंगे और हरेक मुसलमान भाइयों से हम जाकर के उनके से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी चलिए और मिल करके कार सेवा कीजिए और हिंदू मुसलमान मिल करके राम मंदिर बनाए, ये एजेंडा जो है इनका खत्म कीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष के सभी बुद्धिजीवी वर्ग एकत्रित हो और वहां पर राम मंदिर बने और रामलला का स्थापना वहां पर हो कर और श्रीमान चक्रपाणी जी महाराज इसका नेतृत्व करें। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि मैं हिंदू महासभा का प्रवक्ता हूं और सारा अरब हमारे हिंदू हैं। मैं सभी मुसलमान भाइयों से भी प्रार्थना बराबर करता हूं कि हमें कोई नफरत नहीं है और चक्रपाणी जी को भी मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। हम सभी के दरवाजे पर जाते हैं और वो लोग सभी तैयार हैं, इसलिए ये बीजेपी हट जाए इस मुला से, हम लोग मंदिर जल्द से जल्द बना लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने महाराज जी से, स्वामी पतालनाथ जी से, कि ये एक स्टैंड है इनका, इनका एक स्टैंड है। इस ड्रामे से कोई मंदिर बनने वाला नहीं है। सबको पता है कि अब जो फैसला कोर्ट का है वही फैसला हम सबको मानने हैं। और आज के मुसलमान हिंदुस्तान के और ज्यादातर हिंदू भाई
इस पचरे में फंसना नहीं चाहते, वो चाहते हैं स्कूल बनना चाहिए, वो चाहते हैं अस्पताल बनना चाहिए, ये मंदिर मंदिर के झगड़े में कोई ज्यादा पड़ना नहीं चाहता। ये तो सिर्फ नया सगुफा लेके आए हैं, ये सर एक नया हमारे चक्रपाणि जी नया सगुफा लेके आए हैं। अगर ये क्या आप ये मानते हैं, क्या ये आप मानते हैं कि बाबर जी का वो जगह था? अगर आप मानते हैं उनको बंसक का क्या हक है कि वो मंदिर मंदिर बनाएंगे? सबसे पहले आप मानते हैं कि ये बाबर जी का बाबर का जगह था, तभी तो उनका बंसक का हक है कि वो मंदिर बनाएंगे। जब आप मानते ही नहीं है बाबर का वो जगह था, बाबर का वो जब आप मानते ही नहीं कि बाबर का वो जगह था, तो आप कैसे मानेंगे उनका बंसक मंदिर? नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि वो जगह बाबर जी का था? नहीं, आप मानने के लिए तैयार है? सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। जब आप इस बात बाबर मानते हैं, इंडिया में तो एक इंच भी बाबर का जगह नहीं था सर, पूरे इंडिया में आप उनके बाबर की एक इंच की जगह नहीं थी, उसने लूटा है। माहौल गर्म करने का, बाबर का कोई जमीन नहीं थी, वो तो बाहर से आके उसने लूटा है, लुटेरा था वो, जो जनता की जमीन थी, यहाँ के लोगों की जमीन थी। हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी निवास कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उसमें विधायिका की अपनी भूमिका है, उसमें कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा। तो हम बात कर रहे हैं रामनीति या फिर राजनीति, और हमारे इस पैनल में हमारे साथ करीमुल्ला खान जो कि समाजसेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी जनतंत्र टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पुराने पैनल में स्वामी पातालनाथ जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, वो बैठे हुए हैं। एके मिश्र राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मैं समाजसेवी करीमुल्ला खान जी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या बाबर के वंशजों ने माफी मांग ली, तो उनके माफीनामे के बाद बाबर के जो पाप है वो धुल जाएंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये इतने दिनों से बाबर की संतान कहाँ थी? इतने लोग इस मंदिर मस्जिद के नाम पे कट गए, तब बाबर की संतान कहाँ थी? और बाबर की जब ये बाबर की संतान ये कह रहे हैं, ये तो हमें यकीन नहीं होता। ये तो चुनावी मुद्दा है 2019 का। बीजेपी नया नया एक फॉर्मूला लाती है, ये बाबर कहीं से बाबर की औलाद को पैदा करके ले आई है, और ऐसा कुछ नहीं है। बाबर की संतान हम लोग किसको मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और बाबर ने मालूम होना चाहिए कि चक्रपाणि जी बीजेपी के समर्थक नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। आप सोच समझ के बोलिए मुल्ला जी। जी बिल्कुल जी, समझ के बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे चक्रपाणि जी महाराज लेकर के चलने वाले हैं, और मैं उनका प्रवक्ता यहीं पर बैठा हूँ। गलत बात है, हम लोग बीजेपी के नहीं है, आपको गलतफहमी है। उन्होंने आकर के अपने स्वयं ऑफिस में हिंदू महासभा में आकर के और माफीनामा मांगा और बोला कि सोने का ही ढंग स्वयं लगाएंगे। नहीं इसमें बुराई क्या है? मैं मानता हूँ मैं राम का वंशज हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, भले ही मैं यादव या छत्री नहीं हूँ। अगर कोई मुसलमान ये मानता है कि मैं बाबर का वंशज हूँ और वो माफी मांगता है, तो उसमें बुराई क्या है सर? मैं राम का वंशज हूँ, मैं मानता हूँ, मैं भले छत्री नहीं हूँ, मैं उस कुल से नहीं हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? है हम राम के वंशज और कृष्ण के वंशज। सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ पक्ष विपक्ष, अभी मैं योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था, बोल रहे थे हम लोकतंत्र में है मर्यादा है। जब मस्जिद टूट रही थी तब लोकतंत्र की मर्यादा बीजेपी की कहाँ गई? मुलायम सिंह यादव जो विपक्ष के थे, जब गोलियां चलवाई तब जो है मर्यादा लोकतंत्र की कहाँ गई? लोकतंत्र में पुलिस या यहाँ की सेना लोकतंत्र में यहाँ के लोगों के ऊपर गोलियां चलवाती है? राजनीतिक पार्टियों की मर्यादा उस वक्त कहां चली जाती है जब इनको अपना निजी हित साधना होता है? ये केवल और केवल पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एवरग्रीन मुद्दे हैं, इनको ये खत्म नहीं करना चाहते हैं। हमारे राजनेताओं को और कुछ आए या ना आए, इतनी अकल जरूर है उनको, पता है पार्टियों को कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं किया जाता है, उसको दाना खिला खिला के और मोटा किया जाता है। यही सारी पार्टियां कर रही है, असुद्दीन ओवैसी भी यही कर रहे हैं, बीजेपी भी यही कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी। हाँ जी, हम मस्जिद बजाएंगे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? आप लोग तो मजे में है ना, जितनी पार्टियां हैं
सरकार फिर आपकी आएगी। राम मंदिर के ऊपर ही आपने 3-4 बार सरकार बना ली सर। अगर राम मंदिर का मुद्दा आप नहीं उठाते तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहता बीजेपी का। ये बीजेपी के अस्तित्व की लड़ाई है। राम मंदिर बन गया तो वो खत्म। इनके पास और कौन सा मुद्दा है धर्म को छोड़ करके? 90% इनके मुद्दे धर्म के हैं, इनको बनाना नहीं है। आप ट्रिपल तलाक पे तुरंत कानून बना दोगे तब कोई मर्यादा नहीं, तब कोई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं। SC ST एक्ट में तुरंत बदल दोगे तब सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान कराने की मर्यादा आप भूल गए। बहुत सारी जगहों पे आप मर्यादा भूल जाते हो। राम मंदिर के नाम पे जब बनाना होगा तब जो सारी मर्यादाएं हैं आपको याद आने लगती हैं। चुनाव के टाइम पे सारी मर्यादाएं आप भूल जाएंगे। तो एक ऐसी दोगली बात ही है ये। आप लोग राजनेता लोग सारी पार्टियां के, अभी 5-6 पार्टियों के लोग बोलेंगे जी हम मंदिर नहीं बनने देंगे। अभी देखिएगा ये घमासान ऐसा छिड़ेगा। बीजेपी की रणनीति समझिए, ट्राई लेयर स्ट्रेटजी है। एक आदमी बोल रहा है कि जी मर्यादाएं हैं, डिले होगा, हम नहीं कर सकते हैं। वही सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे आग लगा रहे हैं, मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना है, सोल्यूशन नहीं, नहीं जी हमें तो 2019 के पहले ही बनाना है। बीजेपी में ही 3 लोग 3 तरीके का, यानी एक आदमी मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगा, आंच को गर्म करके रखो, दूसरा आदमी कुछ और हवाला दे के इसको चुनाव तक कैसे खींचा जाए, फिर उसको इनकैश कैसे किया जाए। ये बड़ी गजब की स्ट्रेटजी है। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी कोई समझ नहीं पाता है, बहुत साधारण सी इनकी स्ट्रेटजी है, आज जनता समझने लगी है। सर आप राम मंदिर बनाइए, कानून ले आकर के बनाइए, और बिना किसी शर्त के साथ राम मंदिर बनना चाहिए सर वहाँ पे। कलीमुल्ला जी हम बात कर रहे थे बाबर के वंशज को लेकर के, तो आपने कहा कि बाबर के जो वंशज है क्या मालूम कि ये बाबर के वंशज है या नहीं है, तो क्या लगता है कि ये वंशज पर भी सवाल खड़े करना है? ये कोई चुनावी मुद्दा है बीजेपी लेकर के आ गई है? मतलब बाबर के जो वंशज याकूब जिन्होंने अपने वंशज होने पर का दावा किया है उस दावे को खारिज कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल चुनावी मुद्दा है ये। ये चुनाव जब जब आता है कोई ना कोई फॉर्मूला लाते हैं। जब इतने 4 साल से, लेकिन बीजेपी तो इस मुद्दे को लेकर आई नहीं है। बीजेपी का मुद्दा है, सब बीजेपी के आदमी है, महासभा की मुद्दा है, सारे बीजेपी के लोग तैयार होकर के कहना चाहिए कि आप लोग सारे लोग बीजेपी के लोग हैं। कोर्ट का इंतजार करिए ना, देखिए नहीं है, देखिए हिंदू कोर्ट का इंतजार करिए, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए। पार्टियां इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगी कैसे बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए, मैं तो ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए। सारे देश को सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है और कानून है, दिया था साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आप नेताओं ने, मैं आपकी बात नहीं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो इनको विशेषाधिकार संविधान में दिया है, इनको कैंटीन का खाना सस्ते में चाहिए, वहां पे ये अपनी सैलरी हर बार ये बढ़ा लेंगे। जितने संविधान में विशेषाधिकार हैं वो सारा ये लोग मिसयूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तब ये कोई नया कानून बना देंगे अपने फायदे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मुझे कोई बहुत हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा डिसीजन दे, मैं सुप्रीम कोर्ट की योग्यता पे, वहां के जजों की योग्यता पे मेरा सवाल नहीं है। सवाल मेरा यहाँ है जो भी लोग संसद में बैठते हैं पक्ष विपक्ष के लोग, वो उसको अपने तरीके से इनकैश करते हैं। कलीमुल्ला जी आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी ने तो इस मुद्दे को उठाया ही नहीं है, ये तो संतों का मुद्दा है। चक्रपाणी महाराज उन्होंने बताया, उन्होंने ये चीज उठाई है, साधु संत इस बात को लेकर के बोल रहे हैं, वो तो खुद बीजेपी को अलग होने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसे चुनावी मुद्दा क्यों करार दे रहे हैं? बिल्कुल चुनाव जब करीब आता है तो ज्यादा ही जोर पकड़ लेता है। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें ना, कोर्ट का इंतजार करें, इसमें तो हम बहुत ही समय पार्टी है, हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम इलाहाबाद के जो न्यायाधीश थे वो हमारे पक्ष में जो है वो दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में देगा, कि चूंकि राम यहाँ के थे, राम लड़ा यही के जन्म हुए, कब सभी जो जानते जाते हैं। सवाल टाइम सवाल है कि आप लोग जो है तैयार हो जाइए, हम लोग आपसे खतरा है। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हम क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? जल्दबाजी कोर्ट का इंतजार करिए। आप प्रत्येक साल हज जाने के लिए जल्दबाजी करते हैं, आप राम लला मंदिर के लिए दर्शन के लिए जल्दबाजी नहीं करें? नहीं, आप हज क्यों जाते हैं? आप लोग हज न जाने दीजिए, आप बोलिएगा कि जल्दबाजी आप लोग हर एक साल जाते हैं और हम लोग राम मंदिर में नहीं जाए। जो मुद्दे बड़े सेंसिटिव, आप कोर्ट का इंतजार करिए ना, हज के लिए कोर्ट को नहीं, कोर्ट ने नहीं रोका है ना सर, चाहे कोर्ट तो विवादित जगह को रोका है, यहाँ पे दंगे फसाद हुए हैं, ढांचे ढाए गए हैं, तो उसका इंतजार करिए कोर्ट का। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। आप 50 साल में अगर आप वो देते हैं, मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ,
मैं बोल रहा हूँ कि राजनेताओं को सरकार सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायपालिका विधायिका क्या इन सब में सामंजस्य नहीं है क्या? 25 साल हो गए केस चलते, हम जब 8वीं में पढ़ते थे तब से हम लोगों ने ये सुना था, आज इतने साल हो गए मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट ही नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा सर। चुनाव के पहले ये सारी पार्टियां मिलके इसको गरम करेंगी, अपना अपना फायदा लेंगी। मैं बोलता हूं अभी आप लोग बोल रहे हैं ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, मैं बोलता हूं मुद्दे देखिए बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टी है, दो तरीके से मुद्दों को उछालती है। 3 तलाक का भी मुद्दा उठा था तो पहले बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला, समाज सेवक जो थे जो महिलाएं थी उन्होंने ये कंप्लेंट की जी हमें प्रॉब्लम है, फिर टीवी पे डिबेट चली। ये स्टैंड है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि पहले ट्रायल लेना, पहले मुद्दों का टेस्ट लेना, अगर वो मुद्दे पे बवाल मचता है, पब्लिक इंटरेक्ट करती है, रिस्पांस देती है, तो उसको पॉलिटिकल मुद्दे में बदल दीजिए। यही चीज बीजेपी ने 3 तलाक के भी उस पे किया था। 3 तलाक पे इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा कानून बना दिया सर? क्या ऐसे मेजर चेंजेस कर दिए? आप ठीक से वो कानून पढ़िए तो अभी अभी नहीं, इलेक्शन के 3 महीने पहले देखिएगा बीजेपी इसमें कूद जाएगी, दूसरी पार्टियां भी कूद जाएंगी। ये ऐसे ही करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप, स्ट्रेटजिक वे में किसी मुद्दे को उठाएंगे, उसके बाद जब उस पर रिस्पॉन्स आएगा तब वो मुद्दा जो है तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है इलेक्शन के पहले चुनावी मुद्दे में, और वो उनका एकदम सबसे हॉट केक बन जाता है कि जी अब की बार हमें जिताओ, आते ही हम सोने की ईंट लगा के राम मंदिर बना देंगे। 25 साल 30 साल तो हो गए, कितनी बार तो सरकारें बना ली लोगों ने, विपक्ष ने भी राम मंदिर नहीं बनने देंगे ये बोल करके सरकार बना ली, बीजेपी ने भी ये बोल के सरकार बना ली कि हम आएंगे जी तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे। कितनी बार सर, कितनी बार आप करोगे? कम से कम ये ठगना तो छोड़ दीजिए जितने पॉलिटिशियन है। अरे आपको बनाना है नहीं बनाना है, क्यों कसरत में पब्लिक को रख रहे हैं सर? आपका राजधर्म कहां गया? आप लोग जब नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो जो निष्ठा की शपथ लेते हैं वो कहां गया सर? आप लोग कुर्सी पे बैठते ही भूल जाते हैं। पूरे मसले को लेकर के कलीमुल्ला जी, जो आपका बयान आया है कि बाबर के वंशज से, आपसे जो मैंने पूछा था कि बाबर के वंशज अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या बाबर के पाप धुल जाएंगे, फिलहाल आपने बाबर के वंशज होने पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो अगर बाबर के वंशज होने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर बीजेपी अपनों में ही क्यों जो है बिदक गई है? बीजेपी को अपने ही आग दिखाने लगे हैं, उनकी पार्टियां कही जाने वाली विश्व हिंदू परिषद या फिर और बहुत सारे संगठन जो उनके अपने संगठन उनसे टूट कर बने हैं या उनके साथ बने हैं, वो फिर उन्हें क्यों घेर रहे हैं? देखिए इसमें जो है सारा एक नया नया बार बीच बीच में सगुफा आता है। हम कहते हैं कोर्ट का इंतजार करिए ना सारे लोग, ये नया नया नहीं है, बीस हिंदू महासभा जो है का इंतजार करिए, भारतीय हिंदू महासभा यकीन है, ये मदन मोहन मालवीय जी के भी पहले से था, इस और आपके सोमनाथ चटर्जी के पिता जो कोर्ट चटर्जी थे हम लोग थे, आज की हमारी पार्टी नहीं है, हिंदू महासभा बहुत पुरानी पार्टी है और हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम धर्म के अनुसार चलते हैं, जहाँ हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं हो वहाँ हम देखते हैं और हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। स्वामी जी यहाँ एक क्वेश्चन हिंदू महासभा से भी है, 4 साल से आप लोग क्यों शांत बैठे थे? क्या हम 4 साल से हम केस लड़ रहे हैं? हम केस लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, हम इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। आपकी खोज तुलसी जी अभी आपको मिले, अभी 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 मिले, 4 साल पहले भी तो ढूंढ सकते थे, आज आप आए नहीं नहीं, एकदम इसमें गलती है, हम आज नहीं है, हमको इलेक्शन से मतलब नहीं है, नहीं हमारी राम मंदिर से मतलब है, हिंदुओं का राम मंदिर से मतलब है, कोई नहीं है, पकड़िए ना क्यों क्यों पड़े, नहीं वो हमारे हमारे वंशज है, नहीं नहीं वो वंशज ओबीसी तो कभी नहीं चाहेंगे, अरे तो आप ओबीसी कभी नहीं चाहेंगे, यही तो बात है, यही तो बात है, आप ओबीसी को पकड़ के बुलवाइए, हम ओबीसी को पकड़े, हम हिंदू महासभा के प्रवक्ता है, हम ओबीसी के पास नहीं जाएंगे। तुलसी जी अभी क्यों प्रकट हो गए? तुलसी प्रकट उनको लगा कि हिंदू मुसलमान लड़े नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए जी, 4 साल से जी चक्रपाणी ने 4 साल नहीं बहुत दिन से चक्रपाणी ने, मैं आपको बोला उनको लगा कि हिंदू मुसलमान लड़े नहीं, नहीं नहीं आपकी गलत है, आप टोटली नहीं, आपका जो है ना पॉलिटिशियन होना विशेषण, इसीलिए आप जा रहे हैं, नहीं आप नहीं, आपका टोटल गलत है, आप इसलिए गलती है कि तुलसी जी को लगा कि भाई ये बूढ़ा ऐसा नहीं हो कि आपस में लड़ जाए तो हमारे पास आए, और हम लोगों ने उनके बात को स्वीकार किया, वो ये भी बोले
आकर के कि हम पहला ईंट लगाएंगे और सारे मुसलमान को भी हम मनाएंगे। हम लोग भी मुसलमान भाइयों से आग्रह करते हैं, कितना दिनों से आग्रह करें कि भाई रामलला यहाँ पर थे, रामलला यहाँ पर जन्मे, अयोध्या राम की नगरी है, आज भी इसीलिए आप राम मंदिर बनाने की जी। कौन चाहेगा तो ओवैसी नहीं चाहेंगे, तुसी चाहेंगे, कौन चाहेगा तो राम मंदिर बन जाएगा। नहीं, किसी को चाहने से नहीं, अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना जजमेंट देगा। इसमें हम आप हम लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि संत लोग मिलके बना देंगे। नहीं नहीं, मैं कहा बोला, गलत बोला, कभी नहीं बोला कि संत लोग मिलके बना देंगे। ऐसा ऐसा अल्फाज हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए मेरे नहीं, हम तो नहीं, आप गलत है। मैं बोला भाइयों के बनना चाहिए बिना किसी संकोच के। नहीं नहीं, देखिए भारत हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों का अस्तित्व आत्मा राम और कृष्ण है, उनके साथ कोई समझौता नहीं। राम और कृष्ण को हटा देंगे तो भारतवर्ष का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी हिंदू मुसलमान के मिल करके जो है ना, मुसलमान सारी संस्थाएं, मैं नहीं इसको मान सकता हूँ कि मैं लड़ाने के लिए नहीं है। और चक्रपाणि जी महाराज का पूरा ध्येय है, आप देखिए उनको, उनके चरित्र को देखिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। चक्रपाणि जी महाराज सभी सभी के हैं, सभी के पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर मुद्दा की बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है। नहीं, राम मंदिर की बात है, बहुत दिन से हम लोग केस लड़ रहे हैं। चलिए आप बताइए कब तक आप राम मंदिर बनवा देंगे, हिंदू महासभा कब तक बनवा देगी? हम जब तक टाइम बताइए। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा। आपका रोल क्या है? जब जब सबको सुप्रीम कोर्ट में होना है तो चक्रपाणि जी वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? केस लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आपका क्या रोल है वहाँ पे? क्या करें हम लोग? सारा रोल सुप्रीम कोर्ट का होना है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्यों हम लड़ाई लड़ रहे हैं? मुद्दे को जो है, नहीं नहीं, गलत बात है, मुद्दे की बात नहीं है। चक्रपाणि जी बताइए, आप खुद बोल रहे हैं है सारा रोल अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो चक्रपाणि जी तुसी को बीच में ला के आग नहीं लगाते हैं हम लोग, पानी डालने वाले। मुझे ये बताइए, सारा रोल सुप्रीम कोर्ट का है तो चुपचाप बैठिए ना। सुप्रीम कोर्ट का क्यों बैठे? क्यों बैठे तो बीच बीच में क्यों उछल रहे हैं आप? हम उछल लेंगे, हमारी थे, हमारी पार्टी है, हम केस लड़ रहे हैं, हमारा वकील है, सारे लोग। आपको कुछ नहीं, आपका कुछ है? आप यहाँ पर आए, आपको कौन है? मेरा तो वकील है सुप्रीम कोर्ट का। सर मुझे कुछ नहीं पता, तुलसी जी सही है, हम लोग केस लड़ रहे हैं, हमारा वकील है, हमारा फाइल होता है, सारा लोग सुप्रीम कोर्ट का है तो किसी थर्ड आदमी को, तुलसी जी हो या कोई भी हो, चक्रपाणि जी, आप लोग क्यों मुद्दे को हवा दे? नहीं, हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, हमारा अपना विचार करते हैं। पातालनाथ जी, पातालनाथ जी सुन भी लीजिए, अगर कोर्ट में ही विचाराधीन है और सब कुछ कोर्ट से ही होना है तो फिर क्यों इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है? 2019 आप कोर्ट में पार्टी है तो कोर्ट की बात को क्यों नहीं मानते? कोर्ट भी बात मानते हैं, आप कोर्ट के लिए मेरे बच्चे चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं। चक्रपाणि जी कहीं चले गए? नहीं, चक्रपाणि जी का आदेश है, कोर्ट है, आप लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, पातालनाथ जी शांत हो जाएं, दोनों तरफ नहीं चल रहे। पातालनाथ जी मुझे आवाज बंद करानी पड़ेगी, आप लोग शांत हो जाएं। दोनों तरफ से पॉलिटिशियन है ना आप? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरे पास पंत नहीं है। केके मिश्रा जी, पातालनाथ जी, आप ऐसा नहीं बोल रहे सर, आप दोनों तरफ नहीं चल रहे हैं। आप दोनों शांत हो जाएं, आप दोनों शांत हो जाएं, मुझे आवाज बंद करानी पड़ेगी। एक एक करके बोलिए, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं 30-30 सेकंड आप तीनों को दूंगी, आप 30-30 सेकंड में अपनी बात कहें, लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्वामी पातालनाथ जी, अगर सब कुछ कोर्ट में ही विचाराधीन है तो फिर क्यों लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इस मुद्दे को बाहर निकाला गया, गरमाया गया, इसका जवाब दीजिए बस 30 सेकंड में। प्रीस तुसी जी स्वयं आकर के महासभा के ऑफिस में, एक मिनट स्वामी जी, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी तक कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे? एकदम से तो मंशा नहीं, नहीं देखिए कहाँ थे, ये कहना गलत है। कहाँ थे? उनकी विचार है, विचार क्रांति है, ये लोग विचार क्रांति है कि कब हमको अकला है,
कब कब हमको विचार आए, जब जागे तभी सवेरा, उन्होंने जागा जागृत हुए, हमारे नहीं हुआ 2019 के चुनाव के पहले घबराइए मत, होगा आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कलीम मुल्ला जी जी, आप बताइए, जिस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी बैठे यहाँ पर, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट का इंतजार करें, बीच में सूफी को कहाँ से ला रहे हैं, बाबर की वंश को कहाँ से ला रहे हैं, कोर्ट का इंतजार करें, से आ गए हम लोग, कोर्ट का इंतजार करें कि आप लोग कोर्ट में, हमें यकीन है कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, हम भी उसके इंतजार में बैठे, हम पार्टी, हम क्यों बोलेंगे कोर्ट को प्रेशर, हम क्यों देंगे, काम सारे करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, काम हम सारे नहीं करेंगे, हम सच काम नहीं करते हैं, हिंदू महासभा का कभी रिकॉर्ड नहीं है, हिंदू महासभा का कभी रिकॉर्ड नहीं है कि हम लोग कोई काम किया। के मिश्रा जी, अगर हिंदू और मुस्लिम एक हैं और वो मिलकर के कह रहे हैं कि राम मंदिर वहाँ पे बन जाए, तो फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी को बीच में आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये क्वेश्चन बड़ा सही है, मैं बताता हूँ पहला लॉजिक, और बड़े क्षमा के साथ सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के साथ, लोकतंत्र में पहला अधिकार जनता का होता है, जनता ने चाहा मस्जिद तोड़ दिया, जनता चाहे तो 2 करोड़ लोग पहुंच के मंदिर बना दे, मैं देखता हूँ कौन गोली चलवाएगा, दिस इज वन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि राजनीतिक मुद्दा बना कौन रहा है, नहीं पार्टियां बना रही हाथ में लाने का दिया किसने, जिनका बेनिफिट है वो बनाए, मैंने आपको बोला नेताओं को इतनी समझ है, उनको पता है कि सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको काटा नहीं जाता है, उसको दाना खिला खिला करके मोटा किया जाता है, तो ऐसे मुद्दों को ये कभी, हमारे चक्रपाणी जी महाराज नेता नहीं है, संत है, उनको पॉलिटिक्स से कोई जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन से जाने का कोई जरूरत नहीं बोल रहा हूं, तो आप बोल ही रहे हैं, हम लोग राजनीतिक पार्टियां बोली है सर, मैंने बीजेपी की तरह से नहीं, हम लोग हम लोग अकेले पार्टी है, हम लोग मंदिर बनाने के लिए, जब सपा की सरकार थी तब क्यों नहीं मुद्दा उठा, जब बहुत दिन से मुद्दा उठा हुआ है, हम लोग 25 साल से लड़ रहे हैं, बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू महासभा की आस क्यों जागी, नहीं बीजेपी से, अगर आप बीजेपी से अलग हैं तो बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू महासभा की आस क्यों जागी। सिंपी जी, हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि राजीव जी ने ये लड़का पैदा किया, ताला खुलवाया तो वही मंदिर बनाए, कांग्रेस ही बनाए, चलिए बीजेपी से मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आने से पहले इस मसले को लेकर के बार बार इसे मसला तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, मसला बराबर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए वक्त की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी, आपका भी स्वामी पतालनाथ, आपका भी और